Oh, good morning, India. Monday to Friday. Back to back classes. Live from studio. अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी स्टेट एग्जाम चैनल को। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग, इंडियाज नंबर वन ऑनलाइन एजुकेशन चैनल प्लस अ पार्ट ऑफ आन अकेडमी। तो गाइस, सबसे पहली चीज़, आपका ये जो क्लास है वो एनिमल क्लासिफिकेशन का पार्ट चल रहा है। कल से फर्स्ट सिर्फ हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे कि किस तरीके से जब एनिमल्स को क्लासीफाई करा जाता है तो उनके क्या क्या फीचर्स को यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, कौन कौन से फीचर्स को हम ध्यान में रख के एनिमल किंगडम को क्लासीफाई करते हैं। तो मेरे ख्याल इतनी पार्ट क्लियर है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है आपको कि सेल का किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, बॉडी का सिमेट्री क्या होना चाहिए, सीलम क्या होना चाहिए, नेचर का बॉडी प्लान क्या होना चाहिए, सेगमेंटेशन क्या होना चाहिए, पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट और प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, इतना पार्ट कल मैंने आपको कंप्लीट कराया था। आज हम फाइलम से स्टार्ट कर रहे हैं और मेरे ख्याल में फाइलम्स में सबको याद करा चुकी हूँ ऑलरेडी, कितने फाइलम्स आपको रिवाइज करने हैं। तो जस्ट वन पॉइंट एक बार वापस से इसको रिवाइज करते हैं। फाइलम्स के नाम जानना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका एग्जैक्टली एक इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा ना वो यहाँ पे जानना बहुत जरूरी है। जैसे अगर हम यहाँ पे फर्स्ट के साथ स्टार्ट करते हैं तो पहला यहाँ पे क्या, पॉरीफेरा। एक बार फिर से मैं आपको रिवीजन करा रही हूँ और इन्हीं के साथ इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा ना वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। पॉरीफेरा, दूसरा यहाँ पे सिलेंट्रेटा, राइट। तीसरा यहाँ पे सिलेंट्रेटा के बाद आपको, सिलेंट्रेटा को ही निडेरिया भी बोला जाता है तो सिलेंट्रेटा के ब्रैकेट में अपन निडेरिया भी लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे प्लेटी हेलमेंथिस, ठीक है, प्लेटी हेलमेंथिस करके टर्म किया जाता है। तो ये चार पांच जो है ना वो आज अपन करने वाले हैं। तो ये जितना जितना हर क्लास में कवर करेंगे उससे पहले मैं आपको इसका सीक्वेंस यहाँ पे करा दूंगी। तो आज अपनी क्लास में ना चार ही ये कंप्लीट हो पाएंगे बेसिकली, अगर इसके ज़्यादा होते हैं तो कंप्लीट कर लेंगे, बट अभी इन चार पे फोकस करिए। पहला यहाँ पे पॉरीफेरा, दूसरा यहाँ पे सिलेंट्रेटा या निडेरिया, तीसरा प्लेटी हेलमेंथिस और चौथा क्या, एस्केलमेंथिस। सबसे पहले इनका जो नाम है ना वो उसके हिसाब से करेंगे। देखिए, सबसे पहले पॉरीफेरा, पॉरीफेरा क्या, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में क्या होते हैं, पोर्स। पोर्स क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद जैसा बॉडी होता है। अगर इसका हम एग्जांपल यहाँ पे सिंपली देखते हैं तो आपको पता है स्पॉन्ज, आपने देखी है स्पॉन्ज जिससे गाड़ी साफ करते हैं, या सोफे जो बनते हैं ना, सोफे के अंदर एक स्पॉन्ज लगी होती है लाइट येलो कलर की, लाइट पिंक कलर की, तो स्पॉन्ज जो है ना वो यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, या इस पूरी क्लास को क्या बोलते हैं, स्पॉन्ज करके भी इसका नाम लिया जाता है। तो बॉडी जो है ना वो कैसी दिखाई देती है, एक तो बॉडी का कोई शेप नहीं होता, ठीक है, जितने भी आपकी ये पूरा ये सेगमेंट है या जितने भी आपकी ये एनिमल किंगडम में अगर हम पोर्स की बात करते हैं या पॉरीफेरा की बात करते हैं तो बॉडी का कोई भी सेगमेंट नहीं होगा, सिंपली बॉडी जो है ना वो ऐसी भी बनी हो सकती है, ठीक है। उसी में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो कोई भी और चीज जैसे बॉडी जो है ना वो ऐसा कुछ करके दिखाई दे सकता है, या सिंपली मैं डायग्राम आपको बाद में दिखाऊंगी, पहले आप जस्ट चीजों को इमेजिन करिए। जैसे वास की शेप के भी हो सकते हैं, जैसे ये है, ऐसा भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है यहाँ पे जो सिंपली क्या होगा, किसी एक सबस्ट्रेटम से जुड़ा होगा। पहला तो ये चीज याद रखिए कि ये सेसाइल ना रहे, ये ससाइल होते हैं यानी कि सिडेंट्री इनको बोला जाता है, सिडेंट्री रहते हैं, एक जगह पे जुड़े रहते हैं, एक जगह पे चिपके रहते हैं, मूव नहीं करते हैं ये। तो बेसिकली ये पूरा पार्ट जो है ना ये हमारा यहाँ पे क्या है, ऑर्गेनिजम्स। नाम याद रखने हैं आपको इनके एग्जाम्पल के साथ। अब आप देखो, इसकी कोई भी बॉडी का सिमेट्री है, कुछ भी नहीं है ना, मतलब कोई शेप ही नहीं है बॉडी का, आप इसको क्या बोलोगे, सर्कुलर बोलोगे, ट्राइंगुलर बोलोगे, या बॉडी फाइव स्टार की तरह है, कुछ भी नहीं है, शरीर का कोई आकार नहीं है। कभी कभी ना इनको फ्लावर वास करके टर्म किया जाता है, जो ब्यूटीफुल फ्लावर वास होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कलरफुल होते हैं। डायग्राम मैं अभी आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे, तो अच्छा ठीक है, एग्जांपल्स में कोई कंफ्यूजन नहीं, हाइड्रा इसका एग्जांपल नहीं होता है, सिलेंट्रेटा का एग्जांपल होता है हाइड्रा, ठीक है। इसके तीन एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, सबसे पहले आपको याद रखना है स्पॉन्जिला जो इसका एक कॉमन एग्जांपल है, ठीक है,
यूप्लेक्टेला जो इसका दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पे, यूप्लेक्टेला करके याद रखिएगा, यूप्लेक्टेला तो स्पॉन्जेला, यूप्लेक्टेला, यूस्पॉन्जिया करके, तो स्पॉन्ज से रिलेटेड है, आपको यहाँ पे पूछा जाएगा तो कैसे आपको याद रखना है ये पूरा इंपॉर्टेंट पार्ट याद रखिए। पोर समझ आया, पॉरीफेरा समझ आया, क्यों इसको पॉरीफेरा बोलते हैं, क्योंकि इसकी पूरी बॉडी पे ऐसे करके पूरा यहाँ पे क्या रहता है, होल्स जो है ना वो रहते हैं यहाँ पे, तो इसीलिए इसको हम पॉरीफेरा करके टर्म करते हैं। रिप्रोडक्शन, प्रजनन की जो प्रक्रिया होती है वो सेक्सुअल या एसेक्सुअल दोनों तरीके से कर सकते हैं, लैंगिक जनन या अलैंगिक जनन जो है वो दोनों तरीके से किया जा सकता है, इसीलिए इसका रिप्रोडक्शन जो है वो दोनों तरीके से अपन याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सिलेंट्रेटा करके, अगर सिंपली मैं आपको यहाँ पे सिलेंट्रेटा वर्ड यहाँ पे यूज करूँ तो सिलेंट्रेटा वर्ड किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो नॉर्मली देखिए सिलेंट्रेटा वर्ड जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं, आप पहले तो इस वर्ड का मतलब समझो, सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रॉन जो ये पूरा वर्ड आया ना वो किससे यहाँ पे आया है, सिलेंट्रॉन से इस वर्ड को हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे, या आप सिंपली इसको सिलेंट्रॉन करके याद रखिएगा कि सिलेंट्रॉन से इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो एग्जैक्टली अब आपको क्या याद रखना है, सबसे पहली बात अगर मैंने सिलेंट्रॉन बोला है तो इसकी बॉडी में क्या रहेगा, पहले तो कैविटी, अब यहाँ पे हम हाइड्रा का डायग्राम जो है ना वो बनाएंगे, तो हाइड्रा में क्या होते हैं ऐसे करके टेंटिकल्स जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है। बॉडी के अंदर ना इस तरीके की कैविटी होती है, जैसे माउथ वाला जो पार्ट रहेगा वहाँ से लेके ये जो पूरा बॉडी है ये क्या रहेगा, इसके अंदर पूरा कैविटी रहता है, खाली रहता है बॉडी, और ये सबस्ट्रेटम से जुड़ा रहता है, सबस्ट्रेटम यानी कि किसी भी पत्थर से जुड़ा रहेगा। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है, जैसे पॉरीफेरा है, पॉरीफेरा तो जुड़ा रहता है, हमेशा जुड़ा रहता है, कभी हटके जाता नहीं है, लेकिन सिलेंट्रेटा क्लास में एक चीज़ याद रखिएगा, सिलेंट्रेटा जो क्लास है ना उसके अंदर ऑर्गेनिजम्स जो है ना वो फ्री लिविंग भी होते हैं और चुपके भी होते हैं, सेडेंट्री भी होते हैं और फ्री लिविंग भी होते हैं। सेडेंट्री बोला तो आपका एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रा जो है ना वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, और इसी चीज़ का अगर एग्जाम्पल आपको फ्री लिविंग यानी कि खुला जो है वो घूमते हैं तो एग्जाम्पल आप क्या याद रखोगे, जेलीफिश, ठीक है। जेलीफिश जो है वो क्या होती है, वो होती इसी क्लास को बिलोंग करती है सिलेंट्रेटा को, लेकिन फ्री लिविंग होती है यहाँ पे। तो एक पॉइंट ये समझ आ गया, दूसरा इसको सिलेंट्रेटा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर गैस्ट्रोवास्कुलर सिस्टम जो है वो पाया जाता है। गैस्ट्रोवास्कुलर सिस्टम क्या, ऑर्गेनिज्म के अंदर फूड यहाँ से एंटर करेगा और वापस जो यूजेबल चीज़ें हैं वो यूज़ होने के बाद जो वेस्ट पानी होता है ना वो वापस इसी के थ्रू बाहर जाता है। तो ये जो पूरा मैकेनिज्म है ना इसको हम सिलेंट्रॉन मैकेनिज्म करके टर्म करते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सिलेंट्रेटा। एग्जाम्पल आपको क्या याद रखने हैं यहाँ पे, हाइड्रा, जेलीफिश जो है वो एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, और इसको निडेरिया करके भी बोला जाता है, निडेरिया है ना, तो सिलेंट्रॉन तो वर्ड समझ आ गया आपको, निडेरिया वर्ड का मतलब क्या होता है, जिनके अंदर नीडोब्लास्ट नाम के सेल मौजूद होते हैं, ठीक है। नीडोब्लास्ट नाम के सेल इनके अंदर मौजूद होते हैं, ये शाइन करते हैं, जेलीफिश ट्रांसपेरेंट होती है, आपको पता है अंदर से उसका बॉडी जो है ना वो विजिबल होता है। नीडोब्लास्ट करके बोला तो ये कैसा सेल है, जैसे स्टिंजिंग सेल है, तो हाइड्रा जो है ना उसकी बॉडी पे इस तरीके से क्या है, एक स्टिंजिंग सेल मौजूद होता है कि अगर कोई भी चीज़ हाइड्रा से चिपकेगी ना तो उसको ऐसे स्टिंच कर लेता है, उसको काट लेता है, उसको डंक जैसे पर्टिकुलरली बोलें तो उसको डंक मारना स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से, और इनके अंदर टॉक्सिक होता है, तो कोई भी प्रे जो है ना वो इसके ऊपर चिपकेगा तो वो उसको ऐसे यहाँ पे ख़त्म कर देता है ना, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में इसको नीडोब्लास्ट सेल करके टर्म किया जाता है। हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनिमॉन, ये सारे जो एग्जाम्पल है ना ये आपके किसके एग्जाम्पल है, सिलेंट्रेटा के एग्जाम्पल है जो आपको याद रखना है। तो फ्री लिविंग भी है, सेडेंट्री भी है, नीडोब्लास्ट सेल को रखता है, गैस्ट्रोवास्कुलर सिस्टम इसके अंदर पूरा पाया जाता है, तो बॉडी जो है वो तीन लेयर्स में, मतलब दो लेयर्स में डिवाइड होती है, एक एक्टोडर्म और एक एंडोडर्म करके, मीजोडर्म नाम की जो लेयर है ना वो नहीं पाई जाती है, राइट। तो एक बार जस्ट गो थ्रू इट, इसके एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं ताकि आपको चीज़ें थोड़ी सी समझ आए कि हम यहाँ पे एग्जैक्टली बात क्या कर रहे हैं। सो एक तो ये वाला पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे देखे,
दिस पर्टिकुलर पार्ट. नीडोब्लास्ट सेल जो मैं आपको बोल रही हूँ, या उससे पहले एक बार पॉरीफेरा देखे. पॉरीफेरन्स कैसे दिखाई देते हैं आपके, ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है. ये जो है वो किस चीज़ का डायग्राम है, पॉरीफेरा. अगर पॉरीफेरा के किसी एग्जाम्पल की हम बात करेंगे तो इट लुक्स लाइक समथिंग, ये है ना, पोर्स है इसकी बॉडी में, यहाँ पे ये होल्स दिखाई दे रहे हैं. स्पॉन्ज को आप एक्ट करिए, देखिए स्पॉन्ज जो होता है ना उसको आप सोचिए, यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्टली स्पॉन्ज की तरह बॉडी दिखाई देती है, ब्यूटीफुल सी, अलग अलग कलर्स की दिखाई देती है. तो ये वाला पार्ट ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इसी चीज़ को अगर हम सिलेंट्रेटा या निडेरिया क्लास पढ़ते हैं तो मैं आपको यहाँ पे बार बार क्या बोल रही हूँ, नीडोब्लास्ट सेल की बात कर रही हूँ. तो नीडोब्लास्ट सेल जो है ना, ये क्या है, कुछ इस तरीके के आपके दिखाई देते हैं, नीडोब्लास्ट सेल है ना. तो हाइड्रा है, जेलीफिश है, उसके अंदर नीडोब्लास्ट सेल जो है ना वो मौजूद होते हैं, जो स्टिंगिंग का काम करते हैं या लाइटनिंग का काम यहाँ पे करते हैं. ये पूरा पार्ट नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, जैसे हाइड्रा हमने बोला, तो हाइड्रा जो है वो कैसा दिखाई देता है, कुछ इस तरीके का. आई गेस आपको चीज़ें क्लियर है. सिडेंट्री है, चिपका हुआ है, बॉडी ये है, ये जो है ना ये उसके टेंटिकल्स बोले जा रहे हैं. ये जो पार्ट है ये क्या होता है इसका, यहाँ पे टेंटिकल्स करके इसको टर्म किया. ये जो सेगमेंट है ये हाइड्रा के टेंटिकल्स. तो कोई भी चीज़ अंदर में जाएगी वो ऐसे करके पूरा यूज़ होती है और बाहर में जाएगी. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, जो हमारा हाइड्रा होता है ना वो क्या होता है, हाइड्रा जो है ये बेसिकली, वैसे तो ये एक जगह टिका रहता है, एक जगह चिपका रहता है किसी चीज़ से, लेकिन अगर इसको मूव करना हो ना तो मूव करने के लिए ये दो चीज़ों का इस्तेमाल करता है, या दो मैकेनिज्म का इस्तेमाल करता है. ठीक है, दो मैकेनिज्म का इस्तेमाल करता है, जैसे कि एक होता है जिसको हम बोलते हैं सोमरसॉल्टिंग, है ना, सोमरसॉल्टिंग करके टर्म किया जाता है, और एक होता है लूपिंग. तो नॉर्मली ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें कई बार ना हमको यही पढ़ाया जाता है, हमने कभी यही पढ़ा होता है कि जो हाइड्रा है ना वो चिपका रहता है, लेकिन हाइड्रा जो है वो अपने आप को मूव करता है. जैसे ये वाला स्ट्रक्चर देखे, कोई पर्टिकुलर हाइड्रा है, उसको मूव करना होगा तो वो अपनी जगह से, ऐसा नहीं कि उछल के बिल्कुल चला ही जाएगा, वहाँ से जाएगा नहीं, लेकिन पहले अपने आप को ऐसे टेढ़ा करेगा और जो टेंटिकल्स हैं उसको ज़मीन पर चिपकाएगा, सपोज़ ये सबस्ट्रेटम है, फिर ऐसे करके उल्टा खड़ा हो जाएगा ऐसे करके, एंड देन अपनी पोजीशन को ऐसे करेगा, राइट, ऐसे करके टेंटिकल्स को वापस ऐसे चिपकाया, एंड नेक्स्ट स्टेज क्या होगी, जहाँ पे वो ऐसे करके वापस होगा. तो उसने अपनी पोजीशन को यहाँ से यहाँ पे बदल के लेके आया, तो इसको क्या बोलते हैं, सोमरसॉल्टिंग और लूपिंग करके टर्म किया जाता है. तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, सोमरसॉल्टिंग एंड लूपिंग करके यहाँ पे इसको टर्म करते हैं. रिप्रोडक्शन की बात करें यहाँ पे, तो रिप्रोडक्शन बेसिकली आपको याद रखना है, हाइड्रा का रिप्रोडक्शन पढ़ा जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर. हाइड्रा का जो रिप्रोडक्शन है वो हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पढ़ते हैं, यानी कि अलैंगिक जनन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन करके टर्म किया जाता है, जहाँ पे उसको किसी भी चीज़ को तोड़ के, यानी कि हाइड्रा की जो रिप्रोडक्शन होती है वो बडिंग के हिसाब से होती है. याद रखिएगा, हाइड्रा की जो रिप्रोडक्शन है वो कैसे होती है, बडिंग के हिसाब से. अब इसमें से ये जो हाइड्रा है ना, इसमें से कोई भी बॉडी के एक पार्ट में आउटग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, छोटे छोटे उसके ऊपर टेंटिकल्स आ जाएंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बेबी हाइड्रा, है ना, बेबी हाइड्रा बोल सकते हैं इसको. छोटा सा बडिंग होगा, आउटग्रोथ होगी, बल्जिंग होना शुरू होगी, बॉडी फुली डेवलप हो जाएगी, टेंटिकल्स ग्रो हो जाएंगे, और जैसे ही इसका टेंटिकल्स पूरा अच्छे से ग्रो हो गया या बॉडी फुली डेवलप होगी, यही हाइड्रा यहाँ से गिर के कुछ भी जो एरिया है जहाँ पे भी गिरेगा उस पे जाके इस तरीके से चिपक जाएगा, है ना. तो ये क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रा करके टर्म किया जाएगा. तो इसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके टर्म करते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हाइड्रा नहीं शो करता है. हाइड्रा के अलावा जो जेली फिशेज वगैरह हैं, ये थोड़ा सा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती हैं, स्पोर्स वगैरह को रिलीज करते हैं, लेकिन क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना, देखो एक चीज़, हाइड्रा जो है या फिर जितने भी आपके लोअर ऑर्गेनिजम्स आएंगे, या हम फर्स्ट टू क्लासेस की बात करेंगे यहाँ पे, फर्स्ट टू क्लासेस की अगर हम बात करते हैं तो लोअर ऑर्गेनिज्म में, अच्छा एक कॉन्सेप्ट आज की क्लास में यहाँ पे समझते हैं, चीज़ों को थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिएगा. जिन ऑर्गेनिजम्स को अपना नंबर फटाफट से बढ़ाना होता है, ठीक है, मतलब आप समझिए, अगर एक ऑर्गेनिज्म को अपने जो रिप्रोडक्टिव ऑफस्प्रिंग्स हैं उनका नंबर दो चाहिए और एक को ना हज़ार चाहिए, ठीक है, रेशियो आप देखो 1:500 का रेशियो है. जिन ऑर्गेनिजम्स का नंबर
जितना ज़्यादा उनको अपने ऑफस्प्रिंग्स का नंबर चाहिए होता है वो उतना सिंपल रिप्रोडक्शन करने का तरीका अपनाते हैं, ठीक है। जैसे कि उसको 1000 चाहिए तो वो कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म से रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, आपको पता रहेगा। या फिर जहाँ पे केयरिंग जो है ना वो कम हो जाती है तो नंबर स्पीशीज़ का बढ़ जाता है, लेकिन वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो हमारा अलग कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे रखते हैं। अब जैसे स्पोरीफेराज हैं या फिर हाइड्रा या सिलेंट्रेटा क्लास है, दे कैन परफॉर्म बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन वो प्रेफर करते हैं एसेक्सुअली करना, यानी कि बडिंग करना। बडिंग से अगर वो रिप्रोडक्शन करेंगे तो रिप्रोडक्शन का जो रेट होगा ना वो फास्ट होगा, एंड फास्ट का मतलब है कि वो नंबर ऑफ स्पीशीज जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करा पाएंगे। जितने ज़्यादा स्पीशीज का नंबर होगा, यानी कि स्पीशीज का नंबर जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा पाएंगे, तो एनिमल्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, लेकिन क्या रहेगा यहाँ पे, थोड़ा सा रिप्रोडक्शन का रेट जो है वो फास्ट करने के लिए वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसको प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादातर जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। जैसे यहाँ पे रिप्रोडक्शन का ही मैं आपको बता दूँ यहाँ पे, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अगर हो रहा है, अच्छा इनकी स्टेजेस को ना पॉलिप्स और मेड्यूसा बोला जाता है, ठीक है, जो रिप्रोडक्शन यहाँ पे हो रही है तो, या फिर जो 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 ये पूरा जैसे ओवेलिया हमने बोला, जेली फिशेज हमने बोला यहाँ पे, या फिर हमने ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे मेड्यूसा करके टर्म किया या पॉलिप्स करके टर्म किया, तो जो हमारा हाइड्रा है ना वो क्या है, वो ससाइल है, सिलेंड्रिकल है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिप स्टेज। कभी कभार एग्जाम में सीधा ये पूछते हैं कि राइट वन, मतलब विच ऑफ दी फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलिप्स, तो जब आपको पॉलिप्स के लिए पूछा जाए तो आप हाइड्रा याद रखिएगा। उसी तरीके से अगर आपको मेड्यूसा पूछा जाता है तो मेड्यूसा क्या है, ऑरेलिया जो है ना वो मेड्यूसा हो गया। तो रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल भी होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी परफॉर्म किया जाता है। एडम्सिया है, मियांड्रिना है, फाइजेलिया है, ये सब क्या करते हैं, ये एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो सेडेंट्री, देखो अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म ठहरा हुआ है ये भी चीज़ याद रखना, हाइड्रा है रुका हुआ है, तो उसके लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करना ही कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जो मूवेबल ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, जो अपनी जगह से अपनी पोजिशन को चेंज कर सकते हैं, वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं क्योंकि वो केपेबल हैं उस चीज़ के लिए, लेकिन जो ऑलरेडी चीज़ रुकी हुई है ना उसके लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुश्किल होता है। तो क्या रहेगा, आपको ये चीज़ें याद रखिएगा, पॉलिप्स और मेड्यूसा करके याद रखिएगा कि पॉलिप्स और मेड्यूसा जो है ना वो यहाँ पे किया। अरे गाइस प्लीज़ करके ना फोकस करो आप यहाँ पे, थोड़ा सा ना जस्ट फोकस करिए आप लोग क्लास को लेके, है ना। कोई नहीं ओके, कर दिया। ओके नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, मेरे ख्याल ये दो फाइलम्स क्लियर हैं। टीनोफोरा एक फाइलम है जो इसमें इंक्लूड किया जाता है, लेकिन उसको ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है। टीनोफोरा आप याद रखिएगा, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म करके टर्म किया जाता है जिसका बॉडी वॉलनट के जैसा दिखाई देता है, ठीक है, कॉम जेली जैसा दिखाई देता है। जैसे आपने अखरोट देखा है ना, अखरोट का जो शेप होता है बिल्कुल एज इट इज़ जो है ना, वो अखरोट की शेप जैसे निडेरिया या फिर निडेरिया की क्लास के बाद जो फाइलम है वो टीनोफोरा। कभी कभी एग्जाम में ना ऑप्शन होता है तो आप लोग क्या करते हो कि ऑप्शंस में टीनोफोरा आपने कभी पढ़ा नहीं है तो टीनोफोरा जैसा कुछ नहीं रहता है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में ज़रा याद रखिए, ठीक है। ओके राइट, नेक्स्ट यहाँ पे टीनोफोरा भी रिमूव करें, मतलब टीनोफोरा के हिसाब से सिर्फ आप एक चीज़ याद रख लीजिए, वॉलनट शेप के होते हैं, और एग्जाम्पल प्लूरोबैंकिया करके एग्जाम्पल जो है ना वो याद रखिएगा, प्लूरोबैंकिया, राइट। अच्छा इस क्लास की जितनी भी आपकी PDF वगैरह हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सुबह में NTPC का जो बैच चलता है, उस NTPC के बैच में बायोलॉजी स्टार्ट हुई है, उस क्लास से रिलेटेड PDF वगैरह जो है ना वो सारे प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उसमें आप ये PDF वगैरह उस क्लास का PDF जाके देखोगे तो आपका सिलेबस पूरा एज इट इज़ कवर हो जाएगा। तो दो दो जगह देने की जगह ना एक ही जगह देना स्टार्ट कर दिया है, तो जस्ट फोकस ऑन देयर ओनली, ठीक है। ओके राइट, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं यहाँ पे प्लैटीहेलमिंथेसिस और एस्केलमिंथेसिस जो है ना वो याद रखिएगा। यहाँ पे फाइजेलिया, बिल्कुल फाइजेलिया प्रिंसी, ये निडेरिया क्लास में ही आता है। नीरज बोलो क्या बोलना है भाई, जल्दी जल्दी जस्ट राइट योर क्योरीज, कोई वो नहीं है, सुनो करके बोलोगे तो मतलब कॉन्सेंट्रेट करना है, ऐसा कुछ
ओके नेक्स्ट यहाँ पे देखिए प्लेटीहेलमिंथस करके याद रखिए, जो आपकी तीसरी एनिमल किंगडम है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेटीहेलमिंथस करके बोला जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था आप सफिक्स के साथ याद रखोगे तो बायोलॉजी जो है वो आपका सफिक्स के ऊपर पूरी पूरी आपको याद रहेगी। अगर यहाँ पे टर्म किया प्लेटीहेलमिंथस करके टर्म किया तो हेलमिंथस क्या होते हैं, वॉर्म्स, है ना। जहाँ पे भी आपको सफिक्स में वर्ड प्लेटीहेलमिंथस लग जाए क्या रहेगा, उसको वॉर्म्स करके आप याद रखिएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्रमी की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्रमी, है ना। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, वॉर्म्स की बात कर रहे हैं, तो क्रमी करके आपको याद रखना है। आप प्लेटी वर्ड इस्तेमाल किया है, प्लेटी मतलब क्या, फ्लैट वॉर्म्स, प्लेट, ये वर्ड प्लेटी जो है ना वो प्लेट से रिलेटेड याद रखिए। प्लेट होती है आपकी, गोल प्लेट होती है क्या कभी, नहीं ना, ऐसे प्लेट का जो शेप होता है वो क्या होता है, यहाँ पे आपकी प्लेट जो होती है ना फ्लैट होती है, एकदम फ्लैट करके जो है ना वो होती है, उसी वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, चपटे क्रमी करके इसको हिंदी में बोला जाता है। और सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल जो है ना वो टेप वॉर्म आप याद रखिए, टेप वॉर्म फीता क्रमी होता है, एंडोपैरासाइट है, हमारे बॉडी में घुस के हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और वहाँ से जो भी उसको फूड या जो भी चीज़ें जो है ना वो करनी होती हैं तो ये पूरा यहाँ से उसको एंडोपैरासाइट फॉर्म में ये लेता है। अब आप देखो एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें हुक्स एंड सकर्स होते हैं, ठीक है, जो जो ये जितने भी वॉर्म्स होते हैं ना, जो एक्टो या एंडोपैरासाइट होते हैं, उनका माउथ कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, जस्ट लुक एट इट, इनको हम क्या बोलते हैं, हुक्स एंड सकर्स करके टर्म किया जाता है। तो ये बॉडी जो है ऐसे करके हुक्स एंड सकर्स रहते हैं। लीच होती है, जोंक जो होती है ना वो अगर आपके स्किन पे चिपकेगी तो उसके ये जो कांटे हैं ना वो खुल जाते हैं और आपकी स्किन में ऐसे चले जाते हैं। इस एरिया में यहाँ पे माउथ रहता है उसका, तो जितना भी ब्लड उसको सक करना है वो वहाँ से पूरा सक करेगी, तो इसको हम हुक्स एंड सकर करके टर्म करते हैं। ऑर्गन लेवल सिस्टम है, जो बॉडी होती है वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल होती है, जैसे हमारे जैसी सेंटर से काटेंगे तो ही दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। पैरासाइट होते हैं ज़्यादातर, यानी कि एंडो पैरासाइट करके यहाँ पे टर्म किया जाता है, राइट। दूसरा यहाँ पे अगर इनके एग्जांपल्स की और एक बार पूरा यहाँ पे इसके एग्जाम्पल याद रखते हैं तो फैसियोला हिपैटिका पूरा एग्जाम्पल और टीनिया सोलियम, ये दो एग्जाम्पल उसके लिए आप याद रखिएगा प्लेटीहेलमिंथेसिस के लिए। जस्ट लुक एट इट, इसका एग्जाम्पल यहाँ पे मतलब डायग्राम जो है प्लानेरिया, इसका एग्जाम्पल है यहाँ पे, ये जो स्ट्रक्चर है ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है, ये प्लानेरिया का स्ट्रक्चर है। तो जहाँ पे आपका जो बॉडी है ऑर्गेनिज्म का वो बिल्कुल ऐसे रिबन की तरह पतला जैसा दिखाई देता है, तो पॉइंट नंबर दिस की प्लानेरिया करके आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इसी चीज़ में आपका एस्केलमेंथिसिस भी आता है, राइट। एस्केलमेंथिसिस टर्म किया हमने तो एस्केलमेंथिसिस ऐसे वॉर्म्स होते हैं जिनको हम राउंड वॉर्म्स करके टर्म करते हैं, ठीक है, ठीके? गोल क्रमी, तो चपटे क्रमी आपने पढ़ा और एस्केलमेंथिसिस कैसे बोले जाते हैं, गोल क्रमी इनको बोला जाता है। और इसका बहुत कॉमन एग्जाम्पल है एस्कैरिस, ठीक है, एस्कैरिस लुब्रिकॉइड इसका कॉमन एग्जाम्पल करके टर्म किया जाता है। उसके अलावा ब्यूचरेरिया, एलिफेंटियसिस डिजीज आपने सुना है, एक एलिफेंटियसिस डिजीज होती है जिसको हम हाथी पांव डिजीज करके टर्म करते हैं, तो व्यूचर एरिया वेनक्रॉफ्टाई एलिफेंटियसिस डिजीज कॉज करती है। एस्कैरिस जो है वो एस्कैरियसिस नाम की जो बीमारी है उसको कॉज करता है। दोनों हमारे बॉडी के एब्डोमन पार्ट से रिलेट करते हैं, यानी कि एस्कैरिस जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है और व्यूचर एरिया लोअर एब्डोमन में जाती है, जिसकी वजह से पैर जो है ना वो हाथी के पैर की तरह स्वेल हो जाता है, तो उस कंडीशन में बॉडी को कट करना पड़ता है उसी एरिया से, क्योंकि ब्यूचर एरिया की पर्टिकुलरली कोई भी दवाई नहीं है, लेकिन एस्कैरिस अगर एंटर करता है तो ये बॉडी के मतलब टैबलेट लेके इस्तेमाल होके टैबलेट के इस्तेमाल से इसको ठीक किया जा सकता है। पैरासाइट हैं ये एस्केलमेंथिसिस, गोल क्रमी जो हैं वो भी पैरासाइट बोले जाते हैं। बाइलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म इनको बोलते हैं, माउथ ओपनिंग होती है इनकी, फेरिंग्स जो है वो अच्छे से डेवलप करता है, ये सारा चीज़ें आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल इसका यहाँ पे जस्ट एक बार आप डायग्राम देखें, व्यूचर एरिया वेनक्रॉफ्टाई का ये डायग्राम है यहाँ पे, है ना, माइक्रोफिलेरिया इसको बोलते हैं। पूरा ये डायग्राम इस तरीके से आपका यहाँ पे शो करा है, बॉडी के एब्डोमन में जाके प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। ये बाकी के जो आपके इंसेक्ट्स वगैरह जो हैं वो आपकी नेक्स्ट क्लास में आएंगे। नेक्स्ट थ्री क्लासेस जो है ना वो कल, नेक्स्ट थ्री फोर फाइलम्स जो हैं वो कल की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, चार फाइलम्स यानी कि एनालिड्स, नेमेटोड, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, तो कल की क्लास आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है,
चीज़ों को लेके कंप्लीट करेंगे यहाँ पे कल की क्लास में. ओके डन. दूसरा यहाँ पे देखिए, मैथ्स की क्लास आपकी बहुत जल्दी स्टार्ट हो रही है. मतलब एज इन मैथ्स सी डी एस के लिए इंपॉर्टेंट होता है. वैसे तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे साइंस का सेक्शन ही है, क्योंकि 40-60% जो है वो आपका साइंस कवर होता है. तो मैथ्स की क्लास भी आपकी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है. और बाकी जो क्लासेस हैं वो आपकी चली रही हैं सारी की सारी, सिर्फ थोड़ी सी मैथ्स की कमी हो रही है ना, तो उसके लिए भी आपको जल्दी से यहाँ पे स्टार्ट किया जा रहा है. ओके ओके गाइस, कल मिलते हैं वापस. जो जो उसमें जब सेक्सुअली रिप्रोडक्शन, ये मोनोसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल जो है ना, वो आपका कल में आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है. यस, साइकॉन स्पॉन्जिला और यूप्लेक्टेला, ये तीनों एग्जांपल आपके पॉरीफेरा से रिलेट करते हैं. ओके गाइस, कल मिलते हैं. वीडियो आपको शेयर करना है और लाइक करना है साथ में वीडियो, एंड प्लस इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ना. आपका मतलब इतना सादा, इतना ज़्यादा आप लोग मतलब क्या बोलते हैं, टेक्निकली एडवांस हो आप लोग, है ना. हर चीज़ तो मतलब यूज़ कर रखी होगी. कोई ऐसा ऐप या कोई सोशल मीडिया साइट है जो नहीं मतलब नहीं यूज़ करी हो? ट्विटर से लेके फेसबुक से लेके हर चीज़, है ना. तो मतलब इट इज़ द पावर है. थोड़ा सा इसको शेयर करो, बच्चों का नंबर बढ़ाओ, सी डी एस एग्ज़ाम देने जा रहे हो मतलब. ओके राइट, तो कल मिलते हैं वापस से इन्हीं चीज़ों को स्टार्ट करते हैं. कोई भी दिक्कत रहेगा तो बताइए, ठीक है. आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय.